हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन मैथ्स में सेल्फ प्रैक्टिस 3B करेंगे। अब देखो, राइट द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक इन 2 hours, 1 हैज़ बिन डन फॉर यू। देखो यहाँ पे कितनी बजी, 2:24 करा है। कितना करा है? 2:24। तो अपन क्या लिखेंगे? 24 minutes past 2। कितना लिखा है? 24 minutes past 2। अब ऐसे यहाँ पे कितना हो रहा है? 5:48। क्या लिखा अपन ने? 5:48। तो क्या लिखेंगे? 48 minutes past 5। फिर ऐसे ही 3:07, तो 7 minutes past 3। क्या लिखेंगे? 7 minutes past 3। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है? 6:42, तो 42 minutes past 6। फिर है 10:03, देखो यहाँ पे 10:03, तो 3 minutes past 10। फिर एफ वाले देखते हैं, यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है? 4:17, तो 17 minutes past 4। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। आपको क्या करना है? घड़ी में कांटे बनाने हैं। क्या बनाने हैं? हॉर हैंड बनाना है और मिनट हैंड बनाना है। अब यहाँ पे देखो 1:48, तो देखो 1 से थोड़ा सा आगे आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है? 2 बजने वाली, मतलब 1:45 तो बजी चुकी है ना, 1:45। तो क्या हो जाएगा? 1:48, तो 1 से थोड़ा सा आगे लिया छोटा एंड, और बड़ा एंड क्या हुआ? 48 पे, 9 से थोड़ा सा आगे। अब जैसे बी वाले में कितना बजा? 5:56, मतलब 6 बजने वाली है। थोड़ा सा अपन ने 6 पे लिया, थोड़ा 6 पे नहीं आएगा, मतलब 5 से थोड़ा सा आगे, और 56 मिनट, तो 11 पे 55 होता है, 56 उससे थोड़ा सा आगे, 5:56। नेक्स्ट है 4:28, तो छोटा कटा तो 4 पर आ जाएगा, और 28 तो 25 पे 5 पे आता है, तो 5 से थोड़ा सा आगे, तो 28, तो 4:28। फिर 3:46, तो 3 से थोड़ा सा आगे, और 9 से थोड़ा सा आगे था 46, तो 3:46, छोटा काटा 3 पे और 46 वाला बड़ा काटा 9 से थोड़ा सा आगे। फिर 2:49, तो 2 से थोड़ा सा आगे छोटा काटा, और 45 से मतलब 50 होने वाला, तो 50 कहाँ पे होता है? 10 पे, तो 2:00 ये ऐसे बनेगा, ये छोटा काटा 3 पे थोड़ा सा पीछे, और ये 10 से थोड़ा सा भी पीछे, 9 से थोड़ा सा आगे। फिर 6:58, मतलब 7 बजने वाली है, तो छोटा काटा अपन ने 7 पे लगा लिया, और ये 58। ठीक है, आया समझ में? ये आपको आपकी बुक में क्या करना है? कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।